नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो यार मैंने पिछले वीडियो में इस अलमारी के जो ड्रॉज है अंदर में उसका मैंने सिंपल सा आप लोग लॉक लगा के दिखाया था। तो इस बार मेरे पास है ये कबर्ट लॉक, तो मैं सिंपल सा आपको कबर्ट लॉक लगा के दिखाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे नए कारपेंटर भाई है जो नए नए काम चालू किए, जिन लोगों को इसको लगाने के लिए एक्सपीरियंस नहीं रहता कि इसको लगाया कैसे जाए। तो उन बंधुओं के लिए मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ कि कबर्ट लॉक कैसे लगाया जाता है। इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है। ये 25 mm का है और ये 32 mm का भी आता है। तो ये अपना जो पल्ला है ये 19 mm ब्लॉक बोर्ड का है। अब बात ये होता है कि अगर 19 mm ब्लॉक बोर्ड का है तो 19 mm क्यों नहीं लिया, तो उसका भी मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ये 25 mm क्यों लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबा देना बेल आइकन घंटी को, वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये अलमारी जिसमें हमको लॉक लगाना है, तो सिंपल इसको ओपन करते हैं। अब देख, तो ये जो अपना लॉक है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो लॉक है इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से लॉक हो जाएगा। हम लोग ऐसे वाला लॉक नहीं लगाएंगे, ये पल्ला टू पल्ला नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें दिक्कत हो जाता है। तो सिंपल से हमको जो भी लॉक लगाना चाहिए तो इसमें लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इस पर पहले पल्ले को हम नाप निकाल लेते हैं। इस टाइप से आप इस पल्ले को रखिए और आपको जितना भी नीचे में रखना है, देख ये लॉक का जो ये जो फंसने का निकलता है बाहर, ये अपना 1 इंची का है, ठीक है। ये देख सकते हो ये पूरा 1 इंची का है। तो आप जब भी लॉक लगाओ तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लगाना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा इससे नीचे रहे, मतलब पल्ला जब आपका लॉक जब फंसे तो कम से कम इतना दूर तक जाए, और ज़्यादा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा इस टाइप से। तो ये जब भी अपन लॉक लगाएंगे तो इसको होल करना पड़ेगा अंदर से, तो ये लॉक जो जाके सामने से इतना दूर तक आना चाहिए, कम से कम 2 फुट छूटना चाहिए सामने वाले पार्टीशन में ऊपर तरफ। तो सिंपल, चलिए इसका नाप वाप निकाल लेते हैं। जो जितना में आएगा उतने में अपन इसको चिन्ह लगा देंगे इस टाइप से रख के। लॉक को ऐसा रख लेना है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पल्ले के टक्कर में यहाँ पे निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पे एब्रो टेप लगा देना है ये इस टाइप से। तो आपको 2-3-4 ठो ऐसा एब्रो टेप लगा देना है लाइन से, ताकि वो लॉक अच्छे से कवर हो सके पूरे बीचों बीच इस टाइप से। एक और लगा देते हैं। एब्रो टेप इसी लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो कलर है इसमें पेन का जो मार्किंग है वो दिखता नहीं है। अब सिंपल देख सकते हो जहाँ पे हम ये मार्किंग किए थे पल्ले में, यहाँ पे इसको इस मार्किंग को अपन सिंपल से इधर सामने तरफ घुमा देंगे ये इस टाइप से। ये इस टाइप से अपना मार्किंग घूम गया यहाँ पे। अब सिंपल से अपने टेप के सहायता से यहाँ से ये नीचे तक को आप नाप लीजिए कितना है। तो ये अपना देख सकते हो, ये नीचे तक 2.5 इंची है। तो इस मार्किंग से यहाँ पे 2.5 इंची एक निशान लगाएंगे। तो ये लग गया 2.5 इंची का निशान। और सिंपल से इसको हम फिर से इसको गुनिया से मार्किंग कर लेंगे। तो ये निकल गया लॉक का अपना साइज, ठीक है। अब साइड को निकालेंगे कितना निकालना है उतना। तो फिर से देखिए इधर अपना लॉक में कम है, इधर ज़्यादा है। तो ये सिंपल से ऊपर तरफ आप एक बार नाप लीजिए इस टाइप से इस कोने को। तो ये अपना देख सकते हो 2 इंच 6 सूत है, ठीक है। 2 इंच 6 सूत है। तो अपन यहाँ सामने से 1 सूत और छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 इंच 6 सूत है, तो यहाँ पे सिंपल से अपन 7 सूत में लगा लेंगे, ठीक है। 2 इंच 7 सूत में, इधर भी 2 इंच 7 सूत में इस टाइप से। और यहाँ पे अपन 1 सूत छोड़ देंगे सामने से। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये 1 सूत, यहाँ भी 1 सूत इस टाइप से। अब सिंपल से हम इसको मिला देंगे गुनिया से। तो ये अपना मार्किंग लग चुका है भाई। अब ये बिल्कुल जो लॉक है उसका साइज निकल चुका है, परफेक्ट है। अब सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक 6 mm प्लाई में इस लॉक का एक पीछे तरफ लगाने के लिए गुटका बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि ये जो लॉक है ना यहाँ अंदर जा सके। और इसको ना लगाने से ऐसा लगाता तो ये बाहर ही आ जाता, देख सकते हो इस टाइप से। तो इस कारण से मैं 6 mm का एक चापड़ा बनाया हूँ इस टाइप से,
तो ये जाके अंदर में ऐसा लॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा ये देख सकते हो, ये जो है इसी को सिंपल सा आपको निकालना है और यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट लगाना है साइज में, इस टाइप से आपको ही बना के रख लेना है। मैं एकदम इसको परफेक्ट बनाया हूँ ना इसी के साइज में, देख सकते हो। पहले मैंने छेद किया इसमें, उसके बाद पेन से मार्किंग करके बराबर से इसको काट दिया हूँ, तो देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट अपना बराबर ही है। तो इसी को सिंपल से यहाँ पे आपको रखना है इस टाइप से, और यहाँ पे आपको पेन से मार्किंग कर लेना है इस टाइप से, ये तो ये अपना निशान निकल गया दोस्तों। अब सिंपल सा इस गोले में आपको बीच में बिल्कुल भी एकदम निशान लगा लेना है इस टाइप से, एकदम बीचों बीच हल्का फुल्का अप डाउन हो गया, अगल बगल भी होगा तो भी चलेगा, एकाध में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास इधर बहुत जगह है। तो चलिए अब इसको सिंपल अपन छेद कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, मैंने इस लॉक के लिए ये अपना 22 mm का फल्ला लिया हुआ है, त्रिशूल बिट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल 22 mm का फिक्स आ रहा है ये, तो सिंपल सा अब इसको चलिए छेद कर लेते हैं। तो ये अपना छेद हो चुका है दोस्तों, सिंपल सा एक बार लॉक को अपन इसमें लगा के देख लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे में यार बिल्कुल भी परफेक्ट आया हुआ है अपना लॉक, ठीक है। जिस हिसाब से हमने इसको माप लिए थे उसी हिसाब से आया, और यहाँ पे सिंपल सा आपको लगा के एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी दो ही सूत छोड़ रहा है, इस पार्टीशन से दो सूत छोड़ रहा है, इतना ये जो लॉक का जो ये फंसने वाला निकलता है ना, ये दो ही सूत छोड़ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है अपना इस टाइप से। अब सिंपल सा अपन क्या करेंगे, ये जो सिक्स में बनाया है ना दोस्तों, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये इस टाइप से, और ये इसमें डाल के ऐसा इसको स्क्रू से टाइट कर लेंगे। अब इसको टाइट करने से पहले सिंपल से ये जो सामने का ये गोला है ना, छोटा सा रिंग वाला, इसको सिंपल से पहले इसमें लगा लेते हैं, फिर स्क्रू टाइट करेंगे। तो सिंपल से इसको, इसके लिए अपन इसमें थोड़ा सा फेविकोल डालना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला है। तो ये दोस्तों इसमें मैंने फेविकोल डाल के इसको लगा दिया है, तो किल ले लेना है, किल के माध्यम से इसको थोड़ा थोड़ा इसको दबा देना है। अंदर साइड को दबाना है, जो इसमें लकड़ी में फंसने के लिए दिया रहता है उसको दबाना है। तो ये बिल्कुल अपना टाइट हो चुका है बिल्कुल, अब ये सूखने के बाद और टाइट हो जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसमें ये लॉक लगा देंगे और इसको टाइट करेंगे। तो दोस्तों इसको बिल्कुल सीधा रखना इस टाइप से यार, उसके बाद स्क्रू इसमें टाइट कर लेना है। तो मैं सिंपल 1 इंच के स्क्रू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस टाइप से। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐसा गुनिया लगा के देख लेना ये सीधा है कि नहीं इस टाइप से, अगर सीधा नहीं हुआ थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, एक स्क्रू टाइट हुआ है तो ये मेरा बिल्कुल सीधा है देख सकते हो इस टाइप से, ये जो है। अब इसको दूसरे स्क्रू इसमें भी टाइट कर सकते हैं। तो ये अपना टाइट हो चुका है यार चारों स्क्रू। अब देखो तो ये अपना लॉक अपना बिल्कुल फिक्स फिट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें अंदर में हमको छेद करने की आवश्यकता पड़ेगी लॉक फंसने के लिए। तो इसका चाबी कहाँ है भाई? तो ये रहा दोस्तों इसका चाबी, और स्क्रू टाइट करने के बाद एक दो बार आपको अप डाउन करके देखना है इसको, क्योंकि कई बार स्क्रू टाइट करने के बाद थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अगर टाइट हो जाए ऐसा कुछ तो थोड़ा थोड़ा स्क्रू ढीला करना पड़ता है, फिर आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हो ये अपना परफेक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फेविकोल डाल के यहाँ पे चिन्ह लगा लेंगे इसको छेद करने के लिए, इसको लॉक फंसाने के लिए। तो थोड़ा सा फेविकोल इस टाइप से लेते हैं और यहाँ पे सिंपल से लगा देंगे। ये अपना फेविकोल लग चुका,
अब इसको बंद करेंगे इस टाइप से, और इसको दबा के अच्छे से निशान ले लेंगे ऊपर। ये देख सकते हो अपना निशान यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल से इसी को अपन छेद करेंगे, इसी में लॉक जाके फंस जाएगा। तो यार मैं इसको छेदने के लिए भाई सिंपल 10 mm का बीट लिया हुआ हूँ, क्योंकि ये 8 mm का है तो 2 mm बड़ा लिया हूँ, क्योंकि हल्का सा ढीला रहे, एकदम टाइट भी न जाए। तो सिंपल इसको छेद कर लेते हैं। थोड़ा आराम से छेद करना है, बाहर ना निकल जाए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे छेद इसको छेद लिया है, ठीक है, लॉक फंसने के लिए। चलिए एक बार आप लॉक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये जो पल्ला है लॉक हो गया अच्छे से, देखते बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको वापस से खोलते हैं। अब चलिए दोनों पल्लों को एक बार लॉक करके देख लेते हैं। तो देख सकते दोस्तों ये अच्छे से लग लॉक हो रहा है ये, और ये पल्ला अपना लॉक हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।